आज मॉडल गार्डन क्वारसी बाईपास रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति शताब्दी नगर द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता मदन पाल सिंह ने एवं संचालन लाल सिंह ने किया। जैसे भारत के अंदर जातियों का जिक्र करते हैं 6743 जातियां, लेकिन भारतीय संविधान ने 5 जातियों में समेट के रख दिया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और महिला जाति, मात्र 5 जातियों में 6743 जातियों को समेट लिया। तो जो भारतीय संविधान की जाति है, उस जाति के अंतर्गत जो उपजातियां आती हैं, हमें उनमें अपना भाईचारा बनाने की आवश्यकता है। यदि हम उसमें काम करते हैं, स्टार्ट। मैं जवाहरलाल बघेल अतिथड़ा अधिकार मंच का मंडल अध्यक्ष प्रदेश संयोजक, आज मैं बाबा साहब के जन्मदिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना। साथियों, बाबा साहब का जो जीवन है, कितनी कठिन समस्याओं से शुरू हुआ और उन्होंने शिक्षा जो ली थी उस टाइम कितना छुआछात था, लोग किस तरह से उनको पानी पिलाते थे, पर उन्होंने कभी अपने को पीछे न हटने का मौका लिया, वो आगे भी बढ़ते चले गए। उनका एक दृढ़ संकल्प था, उनका एक लक्ष्य था, इन दर्द पिछड़ों समस्याओं को दूर करके उन्हें आगे बढ़ाने का लक्ष्य था। उन्होंने जो समस्याएं उनके सामने रहीं, पर वो कभी पीछे नहीं हटे। तो आज हम भी अपनी समस्याओं के प्रति लक्ष्य बनाएंगे और इनके निरावरण करने के लिए जगह जगह हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें जो हमारे अधिकार हैं उनके लिए लोग जागरूक करेंगे, और संविधान में जो बाबा साहब ने संविधान लिख करके हमें जो अधिकार दिए हैं उनके लिए बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अगर बाबा साहब न होते तो हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। हमें जो अधिकार मिला है संविधान में, आज देश संविधान से चल रहा है और संविधान ही सर्वोपरि है जो बाबा साहब ने लिखा, और इसको आज हम लोग उसके शरण में आकर के अपने अधिकार प्राप्त कर रहे हैं।